नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और आज सवाल ये कि जैसा देश वैसी ड्रेस हमारे देश के लिए जरूरी है या मजबूत है? हम ये सवाल देश के पर्यटन विभाग की ओर से जारी एक एडवाइजरी के बाद उठा रहे, जिस आगरा में दुनिया भर से भारत आने वाले सैलानी एक बार जरूर जाते हैं। आज उसी आगरा में देश के पर्यटन संस्कृति मंत्री ने एक अहम बयान दिया। डॉक्टर महेश शर्मा ने अपने मंत्रालय की एडवाइजरी के बारे में ये बताया कि पर्यटकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि भारत आने वाली महिला सैलानियों को छोटी जगहों पर रात को अकेले नहीं निकलना चाहिए, उन्हें स्कर्ट नहीं पहनना चाहिए। इसके बाद से ये बहस तेज हो गई कि क्या क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए विदेशी सैलानियों के कपड़े बदलवाने की ये सरकारी पहल सही है। साल 2014 में भारत में विदेशी पर्यटकों के खिलाफ कुल 384 अपराध दर्ज किए और इनमें से 4 हत्या के मामले और 17 बलात्कार। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे आंकड़े देश की छवि खराब करते हैं, पर हम ये पूछ रहे हैं कि पोशाक को लेकर जो रोक टोक हो रही है, क्या उससे सैलानियों के बीच हमारे देश की छवि अच्छी रहेगी? सवाल ये भी है, ये कैसे तय होगा कि स्कर्ट पर या फिर किसी और ड्रेस पर पाबंदी से सैलानियों की सुरक्षा पुख्ता हो जाती है? पर्यटकों को जब वो एयरपोर्ट पर आते हैं उनको एक वेलकम किट दी जा रही है, एक कार्ड है उसमें जिसमें डूज एंड डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें, जैसे छोटी छोटी बातें। हमने बताया कि भाई आप छोटी जगहों पर रात रात के टाइम अकेले ना निकलें, स्कर्ट्स पे ना पहने। अगर पंडित महेश शर्मा का बस चले तो वो हर महिला को बुर्का पहना दे। ये जो संस्कृति के मंत्री हैं ये भारत की बुनियादी संस्कृति नहीं समझते। मजाक है कि इस तरह का बयान आना टूरिज्म मिनिस्टर का कि आप स्कर्ट ना पहने, आप महिलाओं के कपड़ों पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। और ख़ास करके जो फॉरेनर्स हैं उनका तो ड्रेस कोड ड्रेस ही यही है, आप कैसे उनको क्या साड़ी पहनाएंगे? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ यू वांट टू अवॉइड नेगेटिव अटेंशन, इफ यू वांट दैट काइंड ऑफ अटेंशन एंड इफ यू वांट टू बी हैसल्ड, यस यू आर गोइंग टू ड्रेस प्रोवोकेटिव, बट आई थिंक इवन इफ इंडियन वुमेन आर ड्रेसिंग लाइक दिस दे वोंट they will attract negative attention. I think that it's wise to dress as people dress here because that's the culture that you are on and you should respect that. I think that out of respect, maybe, you know, you should cover up a little bit, especially when you visit temples and everything like that. But I've really enjoyed myself and I've never felt any sort of danger, so I'm quite happy. तो मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन जो एडवाइजरी के विषय में मुझसे ये सवाल पूछा गया उस वो धार्मिक स्थलों के लिए है, जिसमें हमने कहा है, मैं एक कॉपी आपको देता भी हूँ, जिसमें हमने ये कहा है कि जब आप किसी धार्मिक स्थल पर जाएं तो वहां की मान्यताओं का ध्यान रखें। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, जैसा देश वैसी ड्रेस जरूरी है या मजबूरी? दूसरा सवाल, सैलानियों के लिए कोई ड्रेस कोड क्यों होना चाहिए? तीसरा सवाल, क्या क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए स्कर्ट पर पाबंदी जरूरी है? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, धार्मिक स्थलों पर ड्रेस कोड का विरोध क्यों? तो आपको बता दें कि आज ताल ठोक के हमारे साथ बात करने के लिए खुद पर्यटन संस्कृति मंत्री महेश शर्मा होंगे। अब से कुछ देर के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया, हमें समय दिया ये कहते हुए कि हम उन्हें बहस में ना खींचे, उनसे जो सवाल पूछना चाहते हैं सीधे पूछकर थोड़े समय में उन्हें वापस फ्री कर दें, और हमने इस पर सहमति दे दी। उनके साथ साथ हमारे साथ 4 और खास मेहमान हैं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वैसे पत्रकार रह चुके हैं, दोपहर का सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर रहे। रागिनी नायक हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस पार्टी की, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, NSUI से लंबे समय जुड़ी रही। स्मिता प्रकाश हमारे साथ हैं, वो न्यूज एजेंसी ANI की संपादक हैं, पिछले करीब 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से वो पत्रकारिता में सक्रिय हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं जो कि धर्मगुरु हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, ट्रेनर और काउंसलर भी हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले रागिनी नायक, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बतौर एक महिला भी और बतौर विपक्ष की नेता भी, जब देश का पर्यटन मंत्री ये कहता है कि भाई इस देश में जो भी बाहर से आए वो इस देश के हिसाब से कपड़े पहने, उसमें आपत्ति क्या है? रोहित जी, आपका पहला प्रश्न जो था वो भी मुझे लगता है इसी तर्ज पर है, जब आपने कहा जैसा देश वैसा भेस,
तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि लोकोक्तियां और कहावतें राजा के दरबार से निर्देश के रूप में जारी नहीं होती थी। वो एक समुदाय, एक समाज के व्यावहारिक और सामान्य ज्ञान को कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित करती थी। और इसीलिए इसी तर्ज पर मैं बहस करना चाहूंगी कि ज्यादातर सैलानी जो किसी भी देश में जाते हैं, वो उस देश की सभ्यता, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा के बारे में जानकारी एकत्रित करके जाते हैं। और यही कारण है कि लोनली प्लैनेट जैसी किताब दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। और खास तौर से अगर धर्म स्थलों की, धार्मिक स्थलों की बात करें, तो आजकल तो इंटरनेट पे तमाम धार्मिक स्थलों के सभी नियम कायदे मौजूद हैं। पर जब सरकार और सरकार के मंत्री इस तरीके के निर्देश जारी करते हैं, डूज एंड डोंट्स एंड एडवाइजरी जारी करते हैं, जिसमें महिलाओं के कपड़ों और आवाजाही को नियंत्रित किया जाए, तो मुझे लगता है चार बड़े प्रश्न उठते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि भारत सरकार महिला सैलानियों को सुरक्षा देने में असमर्थ है, असक्षम है, और इसीलिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पर ही वापस डाली जा रही है। दूसरी बात, आप जब अपनी संस्कृति की ठेकेदारी की बात वैश्विक पटल पर करते हैं, तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आप उन सैलानियों की, जो कि अपने देश की संस्कृति भी हमारे देश में लाना चाहते हैं, उनके प्रति असहिष्णुता दिखा रहे हैं। तीसरी बात, ज्यादातर महेश शर्मा ऐसी नियम कायदे कानून महिलाओं पर ही क्यों लागू करना चाहते हैं, ये भी बड़ा प्रश्न है। और अंतिम बात मैं ये भी जोड़ दूं कि यौन शोषण को महिलाओं के कपड़ों के साथ जोड़कर देखना मैं पूरी तरह से गलत समझती हूँ, क्योंकि ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप केवल उनकी वेशभूषा पर डाल रहे हैं। ठीक है, जहाँ 6 महीने से लेकर 70 साल की वृद्ध महिला का बलात्कार होता है या यौन शोषण होता है, वहां पर मैं नहीं समझती कि कपड़ों की कोई भी भूमिका हमें इस तरह से निर्धारित करनी चाहिए। ठीक, मैं आपकी आखिरी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि यौन अपराध को कपड़ों से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। लेकिन अब मैं वापस आता हूं टूरिज्म एडवाइजरी पर। प्रेम शुक्ला, मेरे हाथ में कुछ प्रिंटआउट्स हैं जो मैंने अभी इंटरनेट से खोज के निकाले। कतर का ये एक प्रिंटआउट है जो एयरपोर्ट पर लगा रहता है, मैं कोशिश करूंगा मेरे सहयोगी उसे स्क्रीन पर भी दिखा पाएं। और ये प्रिंटआउट कहता है, रिफ्लेक्ट योर रिस्पेक्ट, हेल्प अस प्रिजर्व कतर्स कल्चर एंड वैल्यूज, प्लीज ड्रेस मोडेस्टली इन पब्लिक प्लेसेस बाय कवरिंग फ्रॉम शोल्डर्स टू नीज। इसमें तस्वीर भी बनी है कि कैसे कैसे कपड़े आप नहीं पहन के इस देश के अंदर आ सकते हैं। ये कतर की तस्वीर है जी। इसके बाद एमिरेट्स की एक तस्वीर मेरे पास है, इस पर लिखा है प्लीज वियर रिस्पेक्टफुल क्लोदिंग, और उसमें भी कपड़ा बना है कि कैसा कपड़ा आपको नहीं पहनना चाहिए जी। वो ये एयरपोर्ट पे उन्होंने बोर्ड्स लगा दिए। इसके बाद वेटिकन सिटी की तस्वीर मेरे पास है, जिसमें वेटिकन सिटी में भी बोर्ड्स पर बाकायदे बताया गया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह के कपड़े आप पहन के इस देश में आ सकते हैं, किस तरह के कपड़े आपको इस पहन के इस देश में नहीं आना चाहिए, यस और नो करके उन्होंने निशान बना दिया। फिर दुबई शॉपिंग मॉल्स में जगह जगह प्लीज वियर रिस्पेक्टफुल क्लोदिंग, और बाकायदे बना के दिखाया गया कि कैसे कपड़े आप पहन सकते हैं, महिला और पुरुष पूरे कपड़ों में वहां पर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ इसराइल, प्लीज डू नॉट पास थ्रू आवर नेबरहुड इन इमोडेस्ट क्लोथ्स। जब हर देश की एक एडवाइजरी है प्रेम शुक्ला, हिंदुस्तान की क्यों नहीं हो सकती जी? यहाँ तो हिंदुस्तान में एडवाइजरी भी पर्यटन मंत्री जी ने उस पर चर्चा की, और विपक्ष के तेवर जो है वो तत्काल जो है महिलाओं पर उनका प्रहार है, इस तरह का दुष्प्रचार प्रारंभ हो गया। संकट यहाँ है कि लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री अगर कुछ कह देते हैं तो कांग्रेस ने ये तय कर रखा है या विपक्ष ने ये तय कर रखा है कि उसको गलत साबित कर देना ही इनका राजनीतिक धर्म है। संकट ये है कि आप जो हैं जब हमारे यहाँ कोई राजकीय कार्यक्रम होते हैं तो आप औपचारिक वेश पहन कर आए, ये एडवाइजरी जारी की जाती है। और आज से नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे, तब से लेकर आज तक जारी की जाती है। आज तक किसी ने इस पर कुतर्क नहीं किया कि इसके कारण महिलाएं जो अपना वेश पहन कर आना चाहती हैं या पुरुष जो वेश पहन कर आना चाहते हैं वो प्रतिबंधित क्यों कर रहे हैं। आज धार्मिक स्थलों पर उनकी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए आपको वेश पहनना चाहिए। पर्यटन मंत्री जी ने सिर्फ इतनी सी बात कह दी, इसको तत्काल जो है वो यौन शोषण जैसे मामलों और यौन संबंधी अपराधों के मामलों से जोड़कर उस पर कुतर्क करने का एक प्रयास हो रहा है। अनावश्यक जो है सरकार को बदनाम करना, मंत्रियों की घेराबंदी करना, क्योंकि मुद्दे नहीं है इन पर बात करने के लिए। भाई भ्रष्टाचार जो 10 वर्षों का सबसे बड़ा कार्य था, भ्रष्टाचार बंद है तो आप घोटाले बंद हैं, शुक्ला जी। घोटालों पर भ्रष्टाचार पर बात हो नहीं सकती है, शुक्ला जी। भाई भतीजावाद पर बातचीत नहीं हो सकती है,
तो इसलिए जो है जो पर्यटन मंत्री जो एक एडवाइजरी की बात भी कर रहे हैं उसको भी किस तरह से जो है उतर कुछ के लिए गड़े जा रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा तो ना कि स्कर्ट ना पहन के आए, एडवाइजरी देना दूसरे के विवेक पे छोड़ना एक बात है, स्कर्ट जो और है, अपनी तरफ से ये कह देना कि ये पहन के आए और ये पहन के ना आए, देखिए इसमें अंतर है ना सर। नहीं नहीं वो सुन लीजिए ना, नहीं किसी गुरुद्वारे में आप स्कर्ट पहनकर जाएंगे तो निश्चित तौर पर गुरुद्वारा का ग्रंथी, उस पर बात करें सिद्धिविनायक मंदिर है मुंबई में, सिद्धिविनायक मंदिर में कांग्रेस के कार्यकाल में जब सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्टी एसीपी के लोग हुआ करते थे उसमें ये एडवाइजरी निकाली गई जींस पहन के ना आए, तो क्या ये तालिबानी सोच थी कांग्रेस के लोगों की, एक प्रश्न चिन्ह पैदा होता है। महालक्ष्मी मंदिर में इस तरह की एडवाइजरी दी गई कि आप फॉर्मल ड्रेस पहनकर आए, इस तरह के ड्रेस पहनकर आए ड्रेस में आपका अंग प्रदर्शित होता हो, ये आज की बात नहीं, हमारे मंदिरों में इस तरह की एडवाइजरी, और भी ट्रस्ट जो सरकार द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट रहे हैं उन ट्रस्ट के लोगों ने इस तरह की एडवाइजरी जारी की है। अब एडवाइजरी का यदि उल्लेख कर दिया जा रहा है तो इतना कौन सा आसमान टूट पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं एक चीज पूछता हूँ स्मिता प्रकाश आपसे, मेरे पास ये एडवाइजरी है जो भारत सरकार ने जारी की है, अतुल्य भारत इनक्रेडिबल इंडिया, मैं अपने हाथ में दिखा भी सकता हूँ, वेलकम टू इंडिया टिप्स फॉर टूरिस्ट, बहुत छोटी सी एक बुकलेट है, 5-7-10 पन्नों की 11 पन्नों की, और इसमें पहले ही पेज पर टिप्स फॉर ट्रैवलिंग टू इंडिया है। स्मिता जी ध्यान से सुनिएगा, ऑन क्लोदिंग उन्होंने लिखा है सम पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली द स्मॉलर टाउन्स एंड विलेजेस स्टिल हैव ट्रेडिशनल स्टाइल्स ऑफ ड्रेसिंग, ड्रेस कोड फॉर सम रिलीजियस प्लेस कैन इंक्लूड कवरिंग योर हेड, बींग बेयर फुट एटसेट्रा, डू फाइंड अबाउट लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस फ्रॉम द टूरिज्म ऑफिस और कंसर्न्ड अथॉरिटीज वाइल विजिटिंग सच प्लेसेस। इसके अलावा बाकी के 10 पन्नों में कहीं किसी कपड़े का कोई जिक्र नहीं है, कहीं नहीं लिखा आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, कहीं नहीं लिखा कि आप कैसे आ सकते हैं कैसे नहीं आ सकते। क्या हमें ये मानना चाहिए कि ये एडवाइजरी जो है थोपी जा रही है और भारत सरकार तालिबानी दौर में चली गई है, वो नहीं चाहती कि बाहर से आने वाले लोग जो हैं अपनी मर्जी के कपड़े पहन के आए। देखिए जो एडवाइजरी में जो आपने अभी पढ़ के सुनाया अगर उसी बात पर छोड़ दिया जाता तो फिर बात ठीक थी, लेकिन जब मंत्री ने कहा कि देर इज़ अ ड्रेस कोड, आप स्कर्ट्स पहनकर मत जाइए, बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये रिलीजियस प्लेसेस के लिए है, लेकिन जब स्टेट कहता है कि आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते या ऐसे कपड़े पहन सकते हैं तो इट्स एज इफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द टूरिस्ट फॉर his or her safety and the presumption is कि जो कपड़े वो पहनते हैं उसकी वजह से उनकी सेफ्टी को कोई खतरा है, so the entire image जो है भारतीय tourism को लेकर या safety को लेकर वो पूरा confused हो जाता है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं मंत्री, कहना क्या चाह रहा है भारत कि हमारे यहाँ जैसे कतर में या वैटिकन सिटी में जैसे आपने कहा कि is it a religious country, नहीं, कतर is मुस्लिम कंट्री, वैटिकन इज अ क्रिश्चियन कंट्री, भारत जो है वो एक सेक्युलर मुल्क है, यहां पर रिलीजियस कोड कोई नहीं है ऑफ ड्रेसिंग ऑफ वर्शिप ऑफ बिहेवियर, कोई सोशल कोड ऐसा रिलीजन के ऊपर कोई नहीं है, इसीलिए जो क्लोदिंग का जो रूल है उसके लिए इट शुड बी लेफ्ट टू द टूरिस्ट टू फाइंड आउट कि क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप, अगर वो चर्च जा रहे हैं तो वो कैसे कपड़े पहने, अगर वो मॉस्क जा रहे हैं या टेम्पल जा रहे हैं क्या कपड़े पहन के जाएं, और अंग प्रदर्शन के बारे में जैसे शुक्ला जी ने कहा तो काफी सारे मंदिर है जहां पर औरतों पर कहा जाता है कि आप साड़ियां पहनेंगी लेकिन जो आदमी है वो धोती और ऊपर में कुछ भी नहीं पहनते, सिर्फ एक कुछ आदमी जो है वो शॉल ओढ़ते हैं, नहीं तो उनका तो अंग प्रदर्शन इज अलाउड एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न, तो इसीलिए वहां पर भी आज तक तो किसी औरत ने किसी महिला ने नहीं कहा कि हमें क्यों कहा जाता है कि हम पूरा ढक लें अपने आप को साड़ी में शॉल में सलवार कमीज में लेकिन आदमी जो है वो छोटे छोटे कपड़े पहन के जा सकते हैं अंदर। ठीक है, क्या महिलाएं वैसे कपड़ों में जाना चाहेंगी मंदिर, एक तो ये बात है, और दूसरी बात स्मिता जी आपने जैसा कहा कि ऐसी बातों से छवि खराब होती है कि अपराध के नजरिए से ये मुल्क जो है बड़ा वल्नरेबल है, ऐसे में तो फिर पिछले 5-7 साल से हम जो एक कैंपेन चलाते हैं टीवी पे अतिथि देवो भव का, जिसमें हम ऐसे दिखाते हैं कि हर ऑटो वाला यहाँ विदेशी लड़कियों को छेड़ने के लिए इंतजार करता रहता है, बंद कर देना चाहिए हमें, वो भी तो विदेश के लोग देखते होंगे ना टीवी पर कि भाई यहाँ तो ऑटो वाले छेड़ते हैं, वो लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, वो रेप कर देते हैं फॉरेन नेशनल्स का। देखिए
देखिए वो जो एड है वो कंट्रोवर्शियल एड है, मैं मानती हूँ कि एक किस्म से अगर सिर्फ वही एड चलता कि हाँ देन इट वुड गिव द इम्प्रेशन, लेकिन जो टूरिज्म का जो एड है उन्होंने बहुत सारे एड्स निकाले हैं और उसमें ये भी दिखाया, और आप सच बात कितना छुपाएंगे, ये सही बात है कि अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट जो है शी इज अंडर रिस्क, हम जानते हैं जिस तरह एवरी वुमन इज अंडर रिस्क इन इंडिया इफ शी गोज इनटू डार्क एलीज इनटू डार्क कॉर्नर्स, अकेली जाती है रात को, तो थोड़ा बहुत रिस्क सब औरतों को है, सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट को नहीं है. तो जब मंत्री कह रहे हैं कि इट इज बेटर दैट यू डोंट गो आउट एट नाइट अलोन, आप फोटो लीजिए और अपने फ्रेंड को बताइए, हाँ थोड़ा सा एक माहौल क्रिएट हो जाता है, एक पैनिक जैसा माहौल, लेकिन बात भी सही है अगर आप देखें कि जब हम बाहर निकलते हैं हमारे माँ बाप हमको कहते हैं, जब हम अपने बच्चों को कहते हैं जाने से पहले बता दो कि कहाँ जा रहे हो, वापस आ रहे हो, स्पेशली लड़कियों के बारे में, तो एक तरह से यस सिक्योरिटी एंड इट इज रियलिस्टिक, बट दूसरी तरफ क्योंकि ये मंत्री हैं उन्हें देखना चाहिए कि एक इमेज खराब हो जाता है ऐसे कहने में, इट इज बेटर टू डू इट इन अ सटल मैनर, तो इमेज खराब ना हो इसलिए सच भी बोलें तो सोच समझ के बोलें. पंडित जी आप इस मानते हैं कि ऐसा ही मैसेज होना चाहिए फिर? नहीं, एक अच्छी पहल है और उस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए था. बेकार राजनीति में फंसने के लोग अपने अपने वक्तव्य दे रहे हैं. मुझे बड़ा अजीब लगा अभी स्मिता जी ने एक बड़ी विचित्र बात कही, पढ़े लिखे होने में, कल्चर होने में और ऐसी बातें करने में. मैं चाहूंगा स्मिता जी भी इस वक्त वस्त्र पहन के बैठी हैं और एक शिष्टाचार का परिचय दे रही हैं, परंतु जो वक्तव्य वो दे रही हैं वो शिष्टाचार से बहुत परे है, और उनको अगर ऐसी बात करते हैं कि अगर जो शिष्टाचार जो वस्त्र पहनने की बात करती हैं तो कुछ और वस्त्र में उनको यहाँ आना चाहिए था, अगर वो इस बात को मानती हैं और उस बात को करना चाहती हैं. तो मुझे समझ नहीं आती एक व्यक्ति एक शिष्टाचार बनाने का प्रयास कर रहा है. आप कौन होते मुझे बताने वाले कि मैं किस किस्म के कपड़े पहनूं? आप कौन होते मुझे बताने वाले? आप कौन होते मुझे बताने वाले कि मैं कैसे कपड़े पहनूं? विचित्र लगा. आप कौन होते मुझे बताने वाले? हम सब शिष्टाचार का परिचय, आप हिंदुस्तान में पैदा हुई हैं उसके बाद शिष्टाचार का परिचय दे रही हैं. मैं जहां तक समझ पा रहा हूं आपको चोट पहुंची उस बात से. आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मैं किस किस्म के कपड़े पहनते कपड़े पे आप बिना पहने पहनते बैठते कपड़े यहाँ पे? प्लीज प्लीज, जब आप ऐसी बात कर सकती हैं तो बिना पहने बिना आपको क्या लगता है? मैंने क्या आपको बताया कि आप किस शिष्टाचार कपड़े पहने? मैंने क्या आपको बताया? आप आपको बता सकती, दूसरों को शिक्षा देना चाह रही है, टीवी चैनल पर बैठकर ऐसी बात बोल रही है. अरे साहब टीवी पर चैनल पर बैठकर लोगों को एक ज्ञान का परिचय दे रही है. आप पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोगों पर ये बात थोपना चाहती हैं कि आपको ऐसे परिणाम पहनने चाहिए. आप घूमे ना, आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ? आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या बात करूँ? प्लीज आप, मुझे नहीं अच्छा लगा ये बात. आप शांत होंगे? आप शांत होंगे? पहले आप शांत होंगे? देखिए आपको अच्छा नहीं लगा तो उसके बारे में सब बंद कर दें, सब बात बंद कर दें. लगा आप बोल रही है तो मैं ब्रेक ले लूं, समझ में आनी चाहिए ना. मैं ब्रेक ले लूं, अगर आप सुनने को तैयार नहीं है तो मैं ब्रेक ले सकता हूं. अभी मेरे पास पर्याप्त विज्ञापन है चलाने के लिए. अगर आप चाहते नहीं कि लोगों को कुछ सुनाई दे तो फिर ब्रेक ले लेते हैं, बेहतर है. आप दोनों सम्मानित व्यक्ति हैं अपने अपने क्षेत्र के, कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग को सुनने के लिए लोग बैठे हैं, ये देखने के लिए नहीं कि आप झगड़ रहे हैं. मेरा कहना यह है उन्होंने कोई बात थोपी नहीं, पहली चीज. उन्होंने अपना विचार रखा, आप अपना विचार रख रहे हैं. सिमिलरली क्या मंत्री ने केवल उस समय विचार रखा जो एडवाइजरी में नहीं है, और अगर एडवाइजरी में नहीं है तो उसे थोपना क्यों माना जा रहा है? दूसरी बात, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको एतराज इस बात से था जहां उन्होंने कहा कि मंदिर में पुरुष तो ऊपर के वस्त्रों के बिना जाते हैं, महिलाओं को साड़ी में जाने के लिए कहा जाता है. आपके पास कोई उसका वैज्ञानिक आधार था तो आप वो रख देते, कोई दिक्कत नहीं उसमें. शास्त्र में आपस में आधार, में पढ़ना ज्ञान के आधार है. तो आप भगवान कृष्ण ने गीता में कहा युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, युक्त तो रहो. युक्त की परिभाषा आप स्वयं जानते हैं, उसमें भी बेकार बहस कर रहे हो और ऐसी बात पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा रखी जा रही है तो कम से कम इस बात को ध्यान रखे. कौन सी बात विरोध रख दिया? आपने अपना विरोध रख दिया, लेकिन आपकी बात वो माने या ना माने ये उनका चॉइस है ना. वो अपने हिसाब से अपनी बात रख रही है और लोगों को उनकी बात माननी या नहीं माननी है ये लोगों का चॉइस है. ऐसा थोड़ी ना कि उन्होंने कह दिया आज टीवी पे तो सब लोग कल को वहां मंदिर के बाहर लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे कि हम तो ऐसे ही आना चाहते हैं. तो प्लीज इस बात को समझें. रागनी आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपने हाथ उठाया बहुत देर से, बोलिए. रोहित जी, मैं तो सभी धर्म गुरुओं का बहुत आदर करती हूँ और मैं समझती हूँ कि भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा
हमारी धार्मिक परंपराएं, रीतियां और जिसे हम रिचुअल्स कहते हैं, सभी कुछ हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये समझना आज के संदर्भ में बहुत जरूरी है कि जब हम भारतीय तो वो कोई ठोस वस्तु नहीं है जो एक समय पर निर्धारित कर दी गई हमेशा हमेशा के लिए। वो पानी की तरह तरल वस्तु है जो कि समय के साथ, बदलती हुई व्यवस्थाओं के साथ, रंग ढंग के साथ बदलती जाती है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ मंदिरों का ही। आप अगर महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर की बात करें तो जैसा स्मिता जी ने कहा, वहां महिलाओं को साड़ी पहनकर जाना अनिवार्य है और पुरुषों के लिए धोती और ऊपर एक अंग वस्त्र पहनना जरूरी है। उसके पीछे का कारण ये था कि हिंदू धार्मिक व्यवस्था में सिले हुए कपड़े नहीं पहने जाते थे, लेकिन अब उसमें परिवर्तन आया है। महिलाएं साड़ी के साथ ब्लाउज भी पहनकर जाती हैं, जो कि शायद पहले पहनकर ना जाती हूं वैदिक काल में। तो परंपराएं भी समय के साथ साथ बदलती हैं। इसीलिए ये कहना कि हम संस्कृति के ठेकेदार हैं, हम निर्धारित करेंगे कि महिलाएं क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, किससे प्रेम करेंगी, किससे शादी करेंगी, ये आज के संदर्भ में बिल्कुल गलत है। और मैं इसे आज की चर्चा से जोड़ना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि संस्कृति मंत्री बार बार इस तरह के वक्तव्य देते हैं। नहीं, मेरा सवाल रागिनी नायक ये है कि जो सुसंस्कृत नायक अजमेर शरीफ में महिलाएं स्कर्ट पहन के नहीं जा सकती, और उसी के साथ आप जोड़ आपको याद होगा कटरीना कैफ की वापसी के बारे में कह रही हैं। जैन मंदिर उज्जैन में 8 साल से ऊपर की लड़कियां जीन्स कैप्रिया गाउन पहन के नहीं जा सकती। गुरुद्वारों में दुनिया भर के सबके लिए सिर ढक के रखना जरूरी होता है। मैं जानता हूँ आप भी जाती हैं बंगला साहिब में, तो आप सिर ढक के जाती हैं, कभी आपने वहाँ डिफाई करने का चैलेंज नहीं किया किसी को। तिरुपति मंदिर में जैसा आप खुद कह रही हैं, पुरुषों के लिए धोती या पायजामा, महिलाओं के लिए साड़ी पहनना जरूरी है। भाई, जब आप खुद मानते हैं कि ये सारे ड्रेस कोड्स हैं, इन सारी धार्मिक जगहों पे हैं, वो अगर आपकी सरकार कहीं वेरीफाई कर दे रही है कि हाँ है ऐसा, उसका ध्यान रखा जाए, तो इसका बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत पड़ती है? रागिनी जो कह रही थी बिल्कुल सही है। इसका ये जरूरी नहीं कि हम कि रागिनी और मैं दोनों स्कर्ट पहन के यहाँ बैठे, अगर हम कहते हैं दैट वुमेन हैव फ्रीडम टू चूज व्हाट दे वांट टू वेयर, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसी किस्म के कपड़े पहने। सेम वे एज वी आर सेइंग कि अगर हम मंदिर जाते हैं तो एक किस्म के कपड़े पहनते हैं, अगर हम मस्जिद जाते हैं तो सिर ढकते हैं, या गुरुद्वारे जाते हैं तो सिर ढकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर जगह रिबेल करेंगे, लेकिन हमारा अभी तो हक है कि अगर हम क्वेश्चन करें कि ऐसे रूल्स क्यों हैं, अगर हमारे पास अगर ऐसे विचार है कि हम क्वेश्चन करना चाहे तो हम क्वेश्चन भी ना करें और इस तरह के एब्सोल्युटली रूड क्वेश्चनिंग हमसे की जाए कि आप ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहन के आए, ये कोई सभ्यता है ऐसे सवाल पूछना हमसे? आप बोलिए पंडित जी, हालांकि मैं ब्रेक पर हूं, अपनी बात रखिए। देखिए साहब, अभी पहले रागिनी जी ने एक बात कही, हम थोड़ा सा वक्त में पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसमें बखान करने बैठ जाते हैं। शास्त्र के अंदर हर व्यक्ति के लिए अलग नियम बताया गया है। यहाँ भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो एडवाइजरी में कोई शास्त्र नहीं लिखा, इसके अंदर कहीं ये नहीं कहा गया कि केवल एडवाइजरी में कोई शास्त्र। रागिनी जी ने एक बात कही, सुन ले एक बार, कि उन्होंने कहा कि बिना सिले हुए कपड़े, केवल सन्यासी के लिए बिना सिले हुए कपड़े पहनने की आज्ञा है, किसी गृहस्थ के लिए बिना सिले हुए कपड़े पहनने की आज्ञा नहीं है। पहले अपना ज्ञान ठीक कर ले, उसके बाद आप किसी धार्मिक ग्रंथ के पर किसी विवेचना करने बैठे। केवल सन्यासी के लिए वो बात आज्ञा है कि बिना सिले कपड़े पहनेगा वो व्यक्ति, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो आप रागिनी जी कम से कम अपना ज्ञान को पहले अच्छे से अध्ययन कर ले, शास्त्र के बाद शास्त्र का अध्ययन करें, उसके बाद किसी शास्त्रों पे ना जाए, शास्त्रों पे ना जाए, शास्त्र में कहीं वर्जित नहीं है, केवल सन्यासी के लिए है, केवल सन्यासी के लिए। शास्त्र उठा के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक पंडित जी, धर्म चर्चा का ज्ञान आपका ज्यादा है, लेकिन आपकी विवेचना जो है वो महिला विरोधी है। नहीं, विरोधी नहीं है, भारतीय संस्कृति महिला विरोधी हो नहीं सकती। हम महिला की आराधना करने का विषय रखते हैं, महिला की आराधना करते हैं। आप जैसे लोग कुतर्क करके बेकार बात को बतंगड़ बनाते हैं। ये आराधना कर रहे हैं, लेकिन शिष्टाचार भी तो आप सीखे ना, आप पढ़े लिखे ज्यादा लोग हैं, कम से कम शिष्टाचार राजनीतिक दृष्टिकोण से उसके व्यक्तित्व को बेकार बात बना रहे हैं।